हेलो फ्रेंड्स नमस्ते आदाब सत श्रीकाल मैं हूं आपका दोस्त रोबिन सिंह दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेडीज़ कुर्ती में आप शर्ट वाला कॉलर कैसे लगा सकते हो दोस्तों इस कॉलर को बंटी बबली कॉलर भी बोला जाता है और दोस्तों आज की जो वीडियो की सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इस कॉलर में दोस्तों मैं पेस्टिंग या फिर बुकरों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा सिर्फ कपड़े से मैं कॉलर बताऊँगा दोस्तों कैसे बनेगा ये कॉलर ये आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ अगर अब तक आपने हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो कि हमारे स्टिचिंग के चैनल से बिल्कुल डिफरेंट है दोस्तों उस चैनल में आपको रॉबिन फैशन डिजाइनर का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा दोस्तों उस चैनल में हमारी डेली लाइफ की ब्लॉगिंग एडवेंचर डॉक्यूमेंट्री कॉमेडी बहुत कुछ देखने को मिलेगा तो दोस्तों प्लीज़ हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें उस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया तो दोस्तों ये है मेरे पास एक रफली पीस और इस रफली पीस में दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ किस तरह से आप बंटी बबली कोलर बना सकते हो तो दोस्तों जब भी आपने बंटी बबली कोलर बनाना है कटिंग का फार्मूला सेम है कॉलर वाले सूट की कटिंग कैसे की जाती है इस सब्जेक्ट पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप कॉलर वाला सूट काट रहे हैं तो उसकी कटिंग कैसे की जाए तो दोस्तों कटिंग मैंने ऑलरेडी कर ली है जो मेन आज का फोकस है वो है इसमें मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप कॉलर वाला सूट बना सकते हो तो दोस्तों सबसे पहले सबसे पहले करना क्या आपको आपको केवल फ्रंट पार्ट को उठाना है और बैक वाले पीछे जो पार्ट है इसको रखें आप साइड में क्योंकि दोस्तों जो कटिंग होगी सिर्फ मेन में ही होगी इसके फ्रंट पार्ट में आपको करना क्या है ये देखिए जनरली जो साइज़ होता है मीडियम साइज़ की बात कर रहा हूँ दोस्तों उसमें जो हम कॉलर का साइज़ रखते हैं वो रखते हैं हम ढाई से पौने तीन इंच के बीच ये देखिए दोस्तों ये पौने तीन इंच का एक मैं निशान लगा रहा हूँ सीधा इस तरीके से और पौने तीन इंच का ही निशान मैं इधर लगा रहा हूँ अगर किसी का साइज बड़ा हो यानी कि गर्दन का साइज मोटा हो तो आप तीन की जगह पौने तीन की जगह तीन इंच या सवा तीन इंच भी ले सकते हो तो दोस्तों इस तरह से निशान लगाने के बाद आपको बीच में एक इस तरह से एरो का निशान लगाना है और यहाँ पर आपको देनी इस तरह से गोलाई ये देखें दोस्तों इस गोलाई पे कर दें कटिंग इसके बाद दोस्तों इसकी जो बीच की जो कटिंग होगी उसका मैं आपको बताता हूं जनरली जो साइज होता है गले का वो होता है साढ़े छः इंच लेकिन आपको लेना है सात इंच क्योंकि आधा इंच जो है इसमें मार्जिन में भी चला जाएगा ऊपर की तरफ आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा तो ये साढ़े छह इंच बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों ये जो मैंने निशान लगाया इस निशान पर बिल्कुल सेंटर में आपको इस तरह से कट लगाना है ये देखिए ये मैंने कट लगा दिया है इतना काम करने के बाद दोस्तों अब आपको इसी तरह से एक सेम पीस पे कटिंग करनी वो मैं आपको बताता हूं कैसे कटिंग होगी तो दोस्तों जब आप इस तरह से गले की कटिंग कर लेते हो उसके बाद आपको सेम एक पीस लेना इसी तरह से ये देखिए दोस्तों ये एक टुकड़ा है और इस टुकड़े को दोस्तों मैंने इस तरह से कर लिया है डबल ये देखिए अब इस डबल करे हुए कपड़े को जो मैंने कटिंग करी है ये देखिए इस तरह से इसको रखना है बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों ये देखिए ये जो राउंड में मैंने निशान लगाया इसी तरह से आपको राउंड में एक निशान लगाना है और इसी के अकॉर्डिंग इस निशान को आगे तक ले जाना है और ये देखिए दोस्तों ये मैंने गुलाई का निशान इधर भी लगा दिया है अब आपको इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे करनी है कटिंगे देखें दोस्तों जब आप इस तरह से कटिंग कर लेते हो तो आपके पास एक किस तरह से टुकड़ा निकल के आ जाता है अब इसमें जो सोचने वाली बात है वो ये है कि ये जो शोल्डर है पूरा मैंने इसके बराबर काटा है लेकिन आपको से थोड़ा सा थो कम करना है ये देखिए दोस्तों मैंने इस जगह से लगभग डेढ़ से दो इंच कम कर लिया है ये देखिए अब इस डेढ़ से दो इंच का जो मैंने निशान लगाया इस निशान को इस तरह से रखना है आपको स्केल की मदद से इसको नीचे तक लेकर जाना है और कुल मिला इस कपड़े की जो लंबाई लेनी है वो लेनी है आपको बारह या तेरह इंच अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हो मैं इसकी लंबाई ली है तेरह इंच अब इस तरह से आपको यहाँ पर कटिंग करनी है तो दोस्तों जब इतना काम हो जाता है तो उसके बाद अब आपको मैं बताऊँ कैसे इसको जमाना है ये देखिए ये सीधा पार्ट है इसका और ये जो मैंने पीस काटा है ये वाला आपको बिल्कुल सिंपल वे है कुछ भी नहीं करना ये देखें इसको रखा उल्टा और जो आपका सूट होगा उसको रखना है आपको सीधा इस निशान गोलाई वाली जगह से और इस गोलाई वाली जगह से इनको दोनों आपस में मिलाना है और बिल्कुल सीधी आपको सिलाई लगानी है यहाँ पर वो सिलाई जो लगानी है आपको वो लगानी है बिल्कुल पास में सिर्फ आधा इंच का मार्जिन देते हुए वो देखिए कैसे लगानी है ये देखें ये सिलाई सीधी आएगी और इस तरीके से आपको एक सीधी सिलाई लगानी है और दोस्तों ये सीधी सिलाई लगाकर आप इसको बाद में आपको करनी पड़ेगी इसकी कटिंग और उसके बाद दोस्तों इसका क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगा मशीन पर और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं इस तरह से दोस्तों जो गला बनेगा वो तो बनेगा सेम कलर में और अगर आप मैचिंग में चाहते हो यानी कि सलवार या फिर पैंट के कलर का आप कॉलर लगाना चाहते हो तो उसके लिए दोस्तों आपको ये जो पीस है आपको डिफरेंट लेना पड़ेगा तो उससे और भी अच्छा लुक आएगा वो भी आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ तो फ्रेंड्स से सेम इसी साइज़ का मैंने एक ग्रीन कलर का भी पीस है वो काट लिया है अब जो जो सिलाई का तरीका मैंने आपको बताया उसी तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ये देखिए इसको रखना है मैंने इस तरह से नीचे और सिलाई लगा के आपको मैं दिखा देता हूँ तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो अब मैं मैंने इसमें एक सिलाई लगा दी है आपको इधर से मैं लुक दिखाता हूँ ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा और ये सिलाई लगाने के बाद दोस्तों आपको बिल्कुल बीच में इसको करना है कट इस तरीके से कटिंग करते समय दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको सिलाई नहीं कटनी चाहिए ये देखिए अब इसके बाद दोस्तों इसको आप इस तरह से थोड़ा सा नाखून से प्रेस करें और थोड़ा सा प्रेस इधर से कर लें प्रेस करने के बाद अब आपको दोस्तों सिलाई लगानी है इस तरह से ये देखिए ये कपड़ा है जो आपका ग्रीन कलर वाला ये चला जाएगा अंदर अब आपको यहाँ पर किनारे पर एक सिलाई लगानी है इस जगह से सिलाई शुरू करेंगे और इस जगह लाकर हम सिलाई को बाहर निकाल देंगे तो फ्रेंड्स एक किनारे की सिलाई है वो मैंने लगा ली है अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ इसका अंदर से लुक कुछ ऐसा आएगा अब दोस्तों इसमें आपको ये कपड़ा दिख रहा होगा इसमें कपड़े में हमको सिलाई लगा के इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है बिल्कुल आसान है आपको करना क्या है क्या ये देखिए इस तरह से इसको पकड़ें और यहाँ पर आपको एक सीधी सिलाई लगानी है इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए सिर्फ आधा इंच कपड़ा आपको अंदर फ़ोल्ड करना है और आसानी से इस तरह से इसको फोल्ड करके आप इसमें सिलाई लगा लें दोस्तों सिलाई लगा के मैं आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों ये देखिए ये सिलाई मैंने लगा दी है सिलाई लगाने के बाद इसका जो फाइनल लुक इस तरह से आ चुका है अब दोस्तों ये जो कपड़ा है यहाँ से अलग है आप देख सकते हो अब इस कपड़े को हमने साथ में अटैच करना है कैसे अटैच करना है ये देखिए यहाँ से सिलाई शुरू करें और यूँ राउंड मिलाते तो हुए इस सिलाई को मिला दें इसी तरीके से दोस्तों ये गुलाई वाली जो सिलाई है यहाँ से शुरू करें और इसे यहाँ से आप मिला दें बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आपका उसकी आप कर दें बाद में कटिंग तो दोस्तों ये देखिए इस कपड़े को भी मैंने साथ में अटैच कर लिया है ये राउंड वाली जगह से भी और यहाँ तीरे की जो सिलाई थी वो भी मैंने लगा ली है अब दोस्तों आगे का जो पार्ट है हमारा तैयार है अब इसको हमने जोड़ना है शोल्डर के साथ इस तरह से देखिए आपको बैक पार्ट उठाना है और इस जगह से आपको सिलाई की शुरुआत करनी है और यहाँ से सिलाई लगाते हुए आप यहाँ यहाँ से लेकर आएँ और आधा इंच की सिलाई लगानी है और इसी तरीके से आपको दोस्तों इधर से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए यहाँ से सिलाई की शुरुआत करनी है दोस्तों इस तरह से हमारा तीरा जुड़ जाएगा और तीरा जोड़ने के बाद दोस्तों उसमें जो फाइनल काम रह जाएगा वो रह जाएगा कॉलर का वो कैसे कटिंग होगी वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा ये सिलाई लगाने के बाद तो दोस्तों तीरे की सिलाई मैंने लगा ली है तीरे की सिलाई लगाने के बाद दोस्तों आपको देखिए इस तरह से इसको पकड़ना है ये देखिए बीच में पीछे वाले हिस्से में सेंटर में आपको एक कट लगाना है और इस तरह से इसको पकड़ने के बाद अब आपको टोटल जो कॉलर की ये देखने कॉलर का साइज़ कितना बैठ रहा है ये देखिए ये टोटल आ रहा है दोस्तों सात यानी कि चौदह इंच का कलर इसमें बनेगा अब उसके लिए करना क्या है कटिंग कैसे करनी है आपको दोस्तों जिस भी कलर का कलर लगाना हो जैसे हमको पता है हमने इसमें ग्रीन कलर का कोला लगाना है तो एक आपको इस तरह से पीस लेना है इसको कर लेना बीच में इस तरह से डबल अब आपको देखना है हमें जो कॉलर है वो रखना है तैयार चौदह इंच चौदह का आधा होता है सात ये देखिए ये दोस्तों ये सात इंच है। और इसके अलावा आधा इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर चलना है क्योंकि आधा इंच सिलाई में भी जाएगा इसकी जो टोटल दोस्तों चौड़ाई रखनी है कॉलर की हमने तैयार वो रखनी है साढ़े तीन इंच ये देखिए साढ़े तीन इंच पर एक निशान लगाएं और इस तरह से इस निशान को ले जाएं बिल्कुल सीधा और इसके बाद दोस्तों कॉलर की कटिंग करते समय आपको इस जगह से लगभग तीन इंच छोड़ देना है और तीन इंच के बाद आपको हल्के हल्के इधर से देनी है गोलाई इस तरीके से यानी कि इसको थोड़ा सा डाउन ले जाना है आपको डाउन कितना ले जाना है सिर्फ़ आपको डाउन ले जाना आधा से पौना इंच के करीब ये देखिए इस तरह से डाउन ले जाएं अब इसकी टोटल गोलाई देखे कितनी आ रही है ये सात इंच का तो कॉलर है यहाँ पर और आधा इंच मार्जिन लेकर चलना है अब दोस्तों ये जो मार्जिन है इस मार्जिन को आप बिल्कुल सीधा नहीं लेना आपको इसको थोड़ा सा तिरछा लेना हल्का सा ये देखिए बस इतना काम करना है और आपका कॉलर कट जाएगा ये देखिए तो दोस्तों बिना बुकरम के इस तरह से आपका जो है ये कपड़े पर मैंने कॉलर काट लिया है इसी तरीके से अगर आप बुकरम लगाना चाहते हो तो बुकरम से भी आप इस तरह से कॉलर काट सकते हो दोस्तों बुकरम से कॉलर कैसे बनाया जाता है उस सब्जेक्ट पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना बुकरम से कॉलर कैसे बनाया जाता है दोस्तों एक पीस मैंने काट लिया है सेम इसी तरीके से आपको दूसरा पीस लेना है ये देखिए इसको इसके ऊपर आपको इस तरह से रखना है लेकिन दोस्तों इसको रखने से पहले आपको करना क्या है जो पीस आपने काटा था उस पीस पर आपको सिंगल कपड़े को पकड़ते हुए इस तरह से ये देखिए ये कॉलर है मैंने इसको इस तरह पकड़ा है और आपको सिर्फ इसको आधा इंच इस तरह से फोल्ड करना है और इसको फोल्ड करते हुए आपको यहाँ पर लगानी है एक कच्ची सिलाई फ्रेंड्स ये सिलाई मैंने लगा ली है आप देख सकते हो ये कच्ची सिलाई है इस कच्ची सिलाई को मैं इसलिए लगाया क्योंकि बाद में इसको हम उधेड़ देंगे इसको केवल सेट करने के लिए मैंने कच्ची सिलाई का इस्तेमाल किया है अब दोस्तों इस तरह से जब आप एक पार्ट में सिलाई लगा लेते हो तो दूसरे वाले पार्ट पर आपको इसी तरह से इसको रखना है अब दोस्तों आपको जो सिलाई लगानी है इस तरफ थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए आधा इंच के करीब अब आपको सिलाई लगानी है दोस्तों यहाँ से इस तरह से देखिए यहाँ से आपको सिलाई लगानी है और ये जो पूरी सिलाई है आपको दोनों कपड़े आपके अटैच हो जाएंगे इस तरह से आधा इंच का मार्जन देते हुए ये देखिए दोस्तों मैं निशान लगा रहा हूँ आधा इंच का मार्जन देते हुए आपको सिलाई लगानी है और ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ अगला अगला प्रोसीजर क्या होगा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसमें मैंने कपड़े दोनों अटैच कर लिए सिलाई लगा लिए सिलाई लगाते समय दोस्तों सिर्फ आपको एक जो विशेष तौर पर जिस चीज़ का ध्यान रखना वही रखना है देखिए ये जो सिलाई है दोस्तों मैंने जब लगाई थी तो इसको बिल्कुल मैंने बाहर नहीं निकाला सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा मैंने दो पॉइंट इसको मैंने छोड़ दिया और इसी तरीके से दो पॉइंट मैंने इस इसको इधर से छोड़ दिया ये दोस्तों दो पॉइंट मैंने क्यों छोड़ा है जब मैं इस कोलों को लगाऊंगा तो आपको बारीकी से समझ आ जाएगा तो दोस्तों सिलाई लगाने के बाद अब इस कपड़े की आप कर लें कटिंग तो कुल मिला के दोस्तों ये जो आधा इंच मैंने फोल्ड किया था इस तरफ ये आधा इंच मैंने दूसरी तरफ है जो इसको एक्स्ट्रा मैंने निकाला इसको मैंने फोल्ड नहीं किया क्योंकि इस वाले कपड़े पर लगेगी सिलाई तो उसको करना क्या दोस्तों इस तरह फोल्ड करने के बाद आपको बिल्कुल सेंटर में कट लगाना है ये देखिए कट लगाने के बाद अब जो ये मैंने कोलर बनाया इस कॉलर को आप इस तरह से कर लें सीधा और कैंची की नोक की मदद से इसके जो ये कॉलर का जो कॉर्नर इसको आपको निकालना है बहुत आसानी से ये निकल जाता है ये देखिए कैंची की नोक से आपको इस तरह से निकालना है और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी इसको निकाल लें कैंची हो कुछ भी आपके पास ऐसी कोई नुकीली चीज हो उससे आप इसको निकाल सकते हो तो दोस्तों इस तरीके से ये देखिए कोलर वाली जो शेप आ चुकी है अब इसके बाद थोड़ा सा दोस्तों हम इसको नाखून से कर लेंगे प्रेस ताकि इसकी जो सिलाई आपस में बैठ जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कोलर बिल्कुल रेडी है कोलर को लगाना बिल्कुल आसान है करना क्या है ये देखिए पीछे जो मैंने कट लगाया था इस कट को ये जो कोलर में मैंने सेंटर में कट लगाया आप देख सकते हो इस कट को इस कट से मिलाना है आपको इस तरीके से ये देखें और कट से कट मिलाते हुए दोस्तों अब आपको जो सिलाई की स्टार्टिंग करनी है वो इस जगह से करनी है स्टार्टिंग कैसे करनी है दोस्तों ये देखिए जब मैंने ये कोलर की सिलाई लगाई थी तो मैंने यहाँ पर दो पॉइंट छोड़ दिया था ये दो पॉइंट मैंने इसलिए छोड़ा था ताकि जो पूरा का पूरा जो मार्जन है अच्छी तरीके से यहाँ से आ जाए देखिए अब आपको यहाँ से सिलाई शुरू करनी है इस जड़ से और ये सिलाई कैसे लगेगी आइए मैं प्रैक्टिकली आपको मशीन पर बता देता हूँ तो दोस्तों ये देखिए किस तरीके से इसको मैं जमा रहा हूँ नीचे इसका जो है ये कुर्ते को मैंने रखा है सीधा और ये जो कॉलर है कॉलर को इस तरह से रखते हुए मैंने यहाँ से बिल्कुल इसको बराबर पकड़ना है आपको और यहाँ से सिलाई आपको शुरुआत करनी है तो दोस्तों कॉलर की जो सिलाई थी वो मैंने लगा ली है सिलाई लगाने के बाद दोस्तों जो छोटा सा इसमें काम होता है वो मैं आपको बताऊँ क्या होता है कि जैसे आप कॉलर लगा लेते तो उसके बाद आपको जहाँ पर भी गुलाई होती है गुलाई वाली जगह पर थोड़ा सा आपको इस तरह से कट लगाना होता है इस कट से दोस्तों क्या होता है कि कॉलर में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आता क्योंकि जहाँ पर गुलाई होती है अगर वहाँ पर आप कट लगा दोगे तो वो कपड़ा अपनी स्पेस बना लेता है और इस तरह से आपका कॉलर बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाता है दोस्तों इस तरह से कॉलर लगाने के बाद अब इसमें सिर्फ़ एक सिलाई रह गई है वो भी सिलाई आपको बता दूँ कैसे लगानी है ये देखिए ये सारा का सारा मार्जन अंदर की तरफ चला जाएगा और आपको जो सिलाई की स्टार्टिंग है इस जगह से करनी है और मार्जनों को अंदर करते हुए यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर आप सिलाई लगाएं इस तरह से दोस्तों ये देखिए ये सिलाई भी आपको मैं प्रैक्टिकली मशीन पर बताता हूँ कैसे लगेगी तो दोस्तों आप देख सकते हो कट कटमैन लगाए थे कट लगाने से देखिए थोड़ा सा कपड़ा खिंच रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल बढ़िया एकदम इसकी फिटिंग आएगी क्योंकि यहाँ पे जो अगर आप कट नहीं लगाते तो ये अंदर एक तरफ कपड़ा खिंचता है अब दोस्तों यहाँ पे इसको सारे मार्जिन को अंदर करते हुए बिल्कुल किनारे पर आपको सिलाई लगानी है इस तरह से मार्जन सारा अंदर करना है और आसानी से आपके दोस्तों ये सिलाई बढ़िया तरीके से लग जाएगी तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से केवल एक सिलाई मैंने लगाई है और एक सिलाई लगाने के बाद दोस्तों ये जो कॉलर हमारा रेडी हो चुका है अब इसमें सिर्फ एक काम बचा है एक तो हमने एक कच्ची सिलाई उधेरनी है ये वाली जो मैंने पहले लगाई थी और दूसरा जो काम है दोस्तों वो ये वाला है जो अंदर का जो ये कपड़ा है ये वाला आप देखिए आप देख सकते हो अलग है अभी इस कपड़े पर दोस्तों होगी तुरपाई तुरपाई से जो कपड़ा अलग है बिल्कुल इसके साथ साथ यहाँ से तुरपाई होगी तो बिल्कुल फिक्स ये बैठ जाएगा अब दोस्तों इसका मैं आपको दिखाता हूं फाइनल लुक इसको प्रेस करने के बाद तो फाइनली दोस्तों ये देखिए इसका है ये है फाइनल लुक दोस्तों आप चाहो तो इसके अंदर सेम कलर का जो कपड़ा है या फैब्रिक है उसको यूज़ करके कॉलर बना सकते हो लेकिन दोस्तों मैंने इसमें ग्रीन कलर का यूज़ करके दिखाया है ताकि ग्रीन कलर से इसका एक अच्छा ही लुक आ रहा है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि बंटी बबली कॉलर कैसे बनाया जाता है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप हमें हमारे फेसबुक पेज रॉबिन फैशन डिज़ाइनर और इंस्टाग्राम रॉबिन फैशन डिजाइनर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक यू वेरी मच